होता है, थाने से नहीं होता तो फिर एसपी साहब के पास जाइए, एसपी साहब से नहीं होता तो डीएम साहब के पास जाइए, डीएम साहब से नहीं होता तो विधायक साहब के पास जाइए, विधायक साहब से नहीं होता तो वहाँ दरबार में जाइए। एक बात बताइए, तब तक इंसान जिंदा लाश बन के कहाँ कहाँ जाएगा, ये जिंदा लाश कहाँ कहाँ जाएगी। हमें सीबीआई इन्वेस्टिगेशन चाहिए और उस पर हमारा भी उतना ही अधिकार है जितना किसी सेलिब्रिटी का होता है। अगर हम देश को अनाज उगा के खिला सकते हैं ना, तो किसान अगर एक हो जाए तो सब भूखा मार सकते हैं। मीडिया फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है ना, आप ही को कहा जाता है ना, तो आप क्यों नहीं उठा रहे। अगर योगी जी चाहते हैं कि ये जिंदा लाश उनके दरबार में जाए और तब वे सीबीआई इन्वेस्टिगेशन प्रोवाइड करेंगे, कोई बात नहीं, हम इतने तड़पे हैं ना, हम वहाँ भी चले जाएं। बुलडोजर की डिमांड करने हम यहाँ पे आए हैं, उन दरिंदों पर बुलडोजर चलाइए, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन प्रोवाइड करके हम लोगों को, और उस स्कूल पर बुलडोजर आज के आज चलवाइए। हम कैराना से आए हैं, यूपी के शामली जिले से। आपका देखा था बैनर पे हैशटैग लिखा जस्टिस फॉर अनुष्का, हाँ जी, क्या मामला है? हम, मेरी छोटी बहन अनुष्का 13 साल की थी, इनकी बेटी। आपकी सगी बहन है? जी हाँ, छोटी बहन। क्या मामला? वो स्कूल गई थी 26 मार्च 2022 प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन लिखने के लिए, और उसके बाद में उसके साथ वहाँ रेप करके उसको 3rd फ्लोर से फेंक दिया। तो ये लीगल प्रूफ नहीं है इन रिटर्न येट नाउ, अभी तक नहीं है, क्योंकि वो जो है रियलिटी वो तो सब पुलिस के हाथ में है, DVR एंड एवरीथिंग पुलिस के पास है। कैराना उत्तर प्रदेश में आता है? जी जी। और उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर देश में सबसे अच्छा है? उत्तर प्रदेश की जो योगी सरकार है वो कहती है कि उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर सबसे सुरक्षित है देश में। चुनाव के टाइम में गृहमंत्री अमित शाह ने भी कहा था कि बेटियां रात को 12 बजे भी घर से बाहर निकल सकती हैं, कोई उनको छूने वाला नहीं है, बुलडोजर बाबा है, बुलडोजर चलता है। कहने की बात अलग है और रियलिटी आप देख रहे हैं। हम लोग, अगर वहाँ लड़कियाँ सुरक्षित होती तो सबसे पहली बात स्कूल में दिन दहाड़े 44 CCTV फुटेज की निगरानी में, कैमरा की निगरानी में हमारी 13 साल की बच्ची के साथ रेप करके उसको 3rd फ्लोर से फेंका नहीं जाता। और अगर चलो ठीक है हमारे साथ ये घटना हो गई, दुर्घटना हो गई है, उसके बाद में हम 8 दिन बाद, हम लोग 2 बार पहले भी यहाँ धरना दे चुके हैं, 3री बार यहाँ बैठे हुए हैं, वहाँ रोज हम धरना देते हैं, रोज प्रोटेस्ट करते हैं, अब तक इन्वेस्टिगेशन के नाम पे 0 से फालतू कुछ नहीं है पुलिस के पास में, अब तक कोई फोरेंसिक टीम वहाँ नहीं आई है। नेक्स्ट डे FIR दर्ज हो जाने के बाद में फोरेंसिक टीम वहाँ आनी चाहिए थी ना। लड़की के शूज दूर दूर पड़े हुए मिले हैं, अकॉर्डिंग टू स्कूल जो गेट की स्नैचेस है उस पे बच्ची के फिंगरप्रिंट है, बच्ची ने उनको टच किया है, उनको बंद करके वो ऊपर गई है, तो भाई उसके फिंगरप्रिंट का फोरेंसिक क्यों नहीं करवाया गया है? ग्रिल पर बच्ची के फिंगरप्रिंट थे, उनका फोरेंसिक क्यों नहीं करवाया गया है? लड़की अगर खुद से खुदकुशी करती तो वो सामने की तरफ कूदती ना, वो ऐसे ऐसे अपना फेस इधर साइड में करके तब थोड़ी ना छलांग लगाती, उसके बैक में लगा हुआ है, बैक यहाँ पे लगा हुआ है। प्रोटेस्ट करने से कोई फायदा हुआ है अभी तक आपको? आप किसी ने कांटेक्ट किया आप लोगों से? हमें किसी ने कांटेक्ट नहीं किया है, हम लोग प्रोटेस्ट रोज कर रहे हैं जब से हमारी बच्ची चली गई है, उस दिन से लेकर अब तक 1 मिनट भी हम लोगों ने चैन की सांस नहीं ली है। कैराना पुलिस से आगे बात गई है? नहीं जा रही है, नहीं गई है। कैराना शामली जिले में आता ना? जी हाँ। शामली के डीएम तक नहीं गई बात? जी नहीं। सरकार के आदेशानुसार हर प्राइवेट स्कूल में सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए, क्या उस स्कूल में सीसीटीवी कैमरे की फुटेज वगैरह आपको नहीं दिखाई गई? वो नहीं दिखाई गई है, एसपी साहब पर बात चली गई है, डीएम के पास बात नहीं गई है, सीसीटीवी फुटेजेस हैं सब उन स्कूल के पास में है, 25 तक का सारा डेटा उनके पास में है, 25 का डेटा सारा देख, 25 तक का सारा डेटा देख सकते हैं, 26 का गायब किया हुआ है उन लोगों ने, इंसिडेंट वाले दिन का गायब किया हुआ है। एसपी साहब ने क्या बताया? एसपी साहब ने हम लोगों को आश्वासन दिया है कि वो इम्पार्शियल तरीके से इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, लेकिन अब तक जो रवैया पुलिस ने हमारे साथ में किया है, हमारा कैराना पुलिस से विश्वास उठ गया है, वो घूसखोर है। स्कूल प्रशासन का क्या कहना है इस सारे मामले में? स्कूल प्रशासन तो गायब हो गया है, लड़की का जबरन अंतिम संस्कार करवा गए, सब भाग गए हैं। आप क्या चाहती है? हम लोग ओनली सीबीआई इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं इस मामले में, और यही हमारी बच्ची को इंसाफ दिलवा सकता है। अगर मोदी जी और योगी जी चाहते हैं कि आगे से कैराना और शामली क्षेत्र के गांवों की बच्चियां पढ़ सके, खासकर किसी गरीब की बच्ची पढ़ सके, तो उनको उस बच्ची को न्याय दिलवाना होगा, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन प्रोवाइड करनी होगी। आज इधर लोगों को इसका बहुत ही ज्यादा निगेटिव मैसेज जा रहा है कि कोई भी अपनी बच्ची को पढ़ने नहीं भेजेगा, सबको डर लगता है उसकी बच्ची के साथ बलात्कार ना हो जाए, उसको कोई मार ना दे जैसे हमारी अनुष्का को मार दिया। योगी जी कहते हैं कि बुलडोजर चल रहा है, इसको आप लोग कितना समझते हैं? मैं तो इस बात को तब मानूंगी जब योगी जी बुलडोजर उस स्कूल पर चलवाए जो 8वीं तक की मान्यता साथ में रखे, 10वीं तक बच्चों को पढ़ा रहा है, डीके कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल की 8वीं तक की मान्यता है, वो 10वीं तक किस बेस पे पढ़ा रहा है बच्चों को वहाँ पर? मतलब स्कूल में शिक्षा के नाम पे भी दो नंबर का काम हो रहा है। हाँ, इलीगल चल रहा है, इलीगल चल रहा है। 2022 में उत्तर प्रदेश का चुनाव केवल बुलडोजर के नाम पे, दरिंदों पे और उन पे बुलडोजर चलेगा। उस बुलडोजर की डिमांड करने हम यहाँ पे आए हैं, उन दरिंदों पर बुलडोजर चलाइए, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन प्रोवाइड करके हम लोगों को, और उस स्कूल पर बुलडोजर आज के आज चलवाइए जो इलीगल चला रहा है, मोर देन सिंस
पढ़ाई करवा रहा है वो बच्चों को। ये पढ़ाई के लिए आपने पहले आवाज क्यों नहीं उठाई? हम लोगों को पहले इसके बारे में जानकारी नहीं थी, लीगली हम लोगों को नहीं पता था। इस केस के होने के बाद से हमको जब पता चला, हमको पता चला तो प्रशासन को तो पहले से ही पता होगा। प्रशासन ने अब तक कुछ भी क्यों नहीं किया है बताइए? ये सबसे बड़ा प्रूफ है कि प्रशासन घुसखोर है, वहाँ का कराना का तो एटलीस्ट है। प्रशासन के पे आरोप लगा रहे घुसखोर है, वो चलो ठीक है, लेकिन प्रशासन के अलावा जो जनता नुमाइंदे होते हैं, पार्षद हो गए, विधायक हो गए, उनका कितना सहयोग आपको मिला है जो चुनाव के टाइम आपसे वोट मांगने आते हैं कि हम आपकी रक्षा करें? अब तक उनकी तरफ से हमें कोई सहयोग नहीं मिला है। हमारी बच्ची के जो पेरेंट्स हैं, अब तक उनके पास कोई मिलने तक नहीं आया। कोई पॉलिटिशियन नहीं, किसी भी पार्टी का नहीं? जी नहीं, समर्थक के लिए नहीं, नहीं कोई नहीं आया। आप लोग चाहते हैं अनुष्का शर्मा जो केस है जी, और उसी तलवार केस की तरफ जी सर, कोई भी तो मिलने भी नहीं आया अभी तक आप सर। कितना दिन हो गया इस केस को? 26 मार्च है, देख लीजिए आप। 8 दिन हो गए जी। हाँ, उसके जस्ट नेक्स्ट मॉर्निंग में, नेक्स्ट डे इन मॉर्निंग हमारी बच्ची के साथ में ये होता है। योगी जी का जनता दरबार भी शुरू हो गया, क्यों नहीं आप लोग वहाँ जाते हैं जनता दरबार? आज हम यहाँ आए हैं, अगर योगी जी हमारा दर्द समझ रहे हैं, आप देख लीजिए बच्ची की माँ एक एक सांस पता नहीं कैसे ले रही है, वो यहाँ आई है दिल्ली में, इतनी दूर जंतर मंतर पे, सिर्फ योगी जी से गुहार लगाने के लिए, मोदी जी से गुहार लगाने के लिए कि हमें सीबीआई इन्वेस्टिगेशन प्रोवाइड कीजिए। और अगर योगी जी चाहते हैं कि ये जिंदा लाश उनके दरबार में जाए और तब वे सीबीआई इन्वेस्टिगेशन प्रोवाइड करेंगे, कोई बात नहीं, हम इतने तड़पे हैं ना, हम वहाँ भी चले जाएंगे। यहाँ से तो अच्छा होगा कि आप दरबार में जाइए उनके, योगी जी का जनता दरबार। जी हाँ, आप कहना चाहते हैं कि यहाँ से तो अच्छा है। आप एक बात बताइए, ये पूरा भारत देश हमारा है, ये नेशनल कैपिटल दिल्ली, ये हमारी भी तो उतनी है ना, हमारी भी तो उतनी ही है। तो इस यहाँ पर इतने सारे प्रोटेस्ट होते हैं और हमारा प्रोटेस्ट तो सबसे ज्यादा संवेदनशील है। अरे हमारी तो बच्ची गई है, उसके साथ बलात्कार हुआ है, उसके बाद उसको निर्मम हत्या कर दी गई है, हमें अपने लोकल एरिया से इंसाफ नहीं मिल रहा है, हमसे ज्यादा पास भी नहीं, ज्यादा दूर भी नहीं, नेशनल कैपिटल दिल्ली है, आज ये जिंदा लाश यहाँ पे आई है इंसाफ मांगने के लिए। अगर आप लोग कहना चाहते हैं या फिर योगी जी खुद ये चाहते हैं कि ये वहाँ तक भी जाए और हम सब वहाँ तक भी जाए, हम सब भाई बहन सब लोग मिल करके, तो हम वहाँ भी जाएंगे। मेरा सवाल इसलिए था क्योंकि योगी जी के दरबार में आप जाएंगे तभी उनको ये चीज़ पता चलेगी, और योगी जी माने जाते हैं बुलडोजर के नाम से कि क्रिमिनल के ऊपर, ऐसे केसेस के ऊपर उनका बुलडोजर एनी टाइम तैयार होता है, तो बेहतर आपके लिए वही होगा? मुझे ऐसा नहीं लगता। अच्छा आप बताइए, कुछ बोलना चाहते हैं? आप तब से जनता दरबार कर रहे हैं। दरबार किसका? राजा लोग का लगता है, ये राजा नहीं है, ठीक है ना, ये राजा नहीं है, वहाँ के चीफ मिनिस्टर है, उनका वो उनका कर्तव्य है, हमने उनको चढ़ाया है सीट पे और उनका अगर चाहे तो फिर गिरा भी सकते हैं, तो दरबार कुछ नहीं होता है। जाइए, हम वहाँ जाए, यहाँ जाए, जनता ही भटकती है सर, वो लोग तो अपना बैठे रहते हैं, हेलीकॉप्टर से जाएंगे गोरखपुर हर जगह। आपकी बात अभी एसपी तक गया है जी, जब मुख्यमंत्री तक जाएगी तभी तो कुछ होगा। मुख्यमंत्री तक जाएगी तो किस तरह जाएगी? इसी तरह मीडिया की तरफ से जाती है सर, मीडिया की तरफ से जाती है खबरें। जब मीडिया ही अपना काम नहीं करेगी तो क्या होगा? आप वो चीज़ नहीं मानेंगे, आप ये पूछेंगे कि तो आप वहाँ क्यों नहीं गए, आप वहाँ क्यों नहीं गए, आपका काम है पहुँचाना सर। 2 दिन से आ रहे हैं हम लोग, 2 दिन से। ये सारे घटनाक्रम का जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? आप अपने प्रशासन आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, तो आपको जनता नुमाइंदे के पास जाना चाहिए, जैसे अपने विधायक साहब। तो किस तरह जाया जाए, वो लोग सुनेंगे तब तो? आप हैं जो आवाज़ उठाते हैं, मीडिया फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है ना, आप ही को कहा जाता है ना, तो आप क्यों नहीं उठा रहे हैं? मिलिए नहीं मिले, बट मैं कुछ कहना चाहूँगी इस पे। आप बोल रहे हैं कि आपका प्रशासन नहीं सुने तो आप नुमाइंदों के पास जाइए, दरबार में जाइए। आप एक बात बताइए, योगी जी को वहाँ क्यों बिठाया गया है? ताकि वे जो क्रॉस रूट लेवल पे जो भ्रष्टाचार चल रहा है, उनके प्रशासन के जो लूपहोल्स हैं, उसको हटाए, उसको गायब करे, वहाँ से करप्शन गायब करे। आप एक बात बताइए, जनता के साथ में प्रॉब्लम होती है तो वो पास के थाने में ही जाएंगे ना, प्रोसीजर भी तो पूरा ऐसे होता है, थाने से नहीं होता तो फिर एसपी साहब के पास जाइए, एसपी साहब से नहीं होता तो डीएम साहब के पास जाइए, डीएम साहब से नहीं होता विधायक साहब के पास जाइए, विधायक साहब से नहीं होता तो वहाँ दरबार में जाइए। एक बात बताइए, तब तक इंसान जिंदा लाश बन के कहाँ कहाँ जाएगा, ये जिंदा लाश कहाँ कहाँ जाएगी? आखिर में क्या मांगे है कि क्या कार्रवाई होनी चाहिए? हमें सीबीआई इन्वेस्टिगेशन चाहिए और उस पर हमारा भी उतना ही अधिकार है जितना किसी सेलिब्रिटी का होता है। अगर हम देश को अनाज उगा के खिला सकते हैं ना, तो किसान अगर एक हो जाए तो सब भूखा मार सकता है। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन।